हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में पहले वीडियो में ही बताया गया है कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। एक हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए, टेंस बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे एक हम अलग से आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक एक करके पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे आपको यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ कि प्रेजेंट टेंस आपके चार प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट के भी किए थे चार और फ्यूचर के चार किए थे, टोटल आपके 12 सेंटेंस बताए थे। लेकिन यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई भी टेंस हो, सबसे पहले हम उसकी पहचान करते हैं। जब हम सही पहचानते हैं तो फिर उसी के हिसाब से उसके जो फॉर्मूला हैं या जिन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको बनना है वो लगाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। प्रेजेंट है तो आपको मालूम है लास्ट में है आएगा। प्रेजेंट का मतलब ही होता है जो अभी मौजूद है, समय है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ही आसान से इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, जब शब्द आते हैं तो उन शब्द वहाँ पर टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताती हूँ, मैं लिखता हूँ तो लास्ट में क्या आया है, वाक्य के अंत में क्या आया है, ता है। ता है मीन्स कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, ती है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम घर जाता है, ता है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या तुम पत्र लिखते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, ता है। इस तरीके से जिन वाक्यों के अंत में ता है आता है, ती है आता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जब हम सही पहचान लेते हैं तो अब इनके हम बनाने का एक एक करके नियम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सबसे पहले आपको ये भी बताया गया है पहले के वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी तीन रूप कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। इस तरीके से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताया है। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है, नकारात्मक होते हैं, उन्हें हम निगेटिव कहते हैं। वो चाहे किसी के भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव हो सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हो सकता है, 12 टाइप्स जो भी हैं उन सभी का निगेटिव हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सकारात्मक वाक्य, जिसको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ किसका पॉजिटिव देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि पहचान हमने सबसे पहले किसकी देखी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की देखी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का नियम देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव बनाने का नियम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि हिंदी से इंग्लिश में जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट मेन वर्ब लगाते हैं। कब? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होने पर, पॉजिटिव सेंटेंस होने पर ऐसा करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट एंड नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा आई, वी, यू, दे आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो लिखा हुआ है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं। मतलब यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं। लेकिन ऐसा ये फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा? जब आपने सही पहचाना कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है आदि शब्द आ रहे हैं, मीन्स आपने सही से पहचान लिया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तब बिल्कुल इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, राम घर जाता है, तो देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, ता है, और वाक्य आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कौन सा है आपका?
अफर्मेटिव है, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको लगा देंगे। सब्जेक्ट राम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें वर्ब क्या है, जाना, गो। गो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें ईएस जोड़ा है। गोज टू हाउस, हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए आपने प्ले में एस नहीं जोड़ा है क्योंकि चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, जो कि आपके इस रूल में लिखा हुआ है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स सब्जेक्ट के स्थान पर ही शी इट एंड कोई नेम, जैसे राम आपका नाम है, होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का लगाते हैं, अन्यथा नहीं। इसके और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो वे ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, राधा एक मधुर गीत गाती है, राधा सब्जेक्ट हो गई, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से देखिए सिंग्स लिखा हुआ है, सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से हम बहुत से सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बना सकते हैं। कोशिश करिएगा आप भी इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस लीजिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा, बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, मतलब पहचान आपकी वही रहेगी कि वाक्य के अंत में ता है ती है आया, जैसा कि आपको पहले कई बार बताया जा चुका है। यदि उसी में नहीं शब्द जुड़ जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है कि राधा एक मधुर गीत, आप इसको देख रहे हो ना, राधा एक मधुर गीत गाती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। यदि इसी में हम लिख दें राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाने का नियम थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ज़्यादा नहीं है। इसका नियम हो जाता है सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इससे ज़्यादा आप इस फॉर्मूला पे ध्यान देंगे, लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाने पे। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात डू या डज नॉट, जो ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू या डज, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात क्या लगाएंगे, डू या फिर डज। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, नॉट से ही आप उसको डिफाइन करते हैं कि ये निगेटिव है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसा कि आपने पहले इसमें, यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि अफर्मेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन निगेटिव में एस ई आई प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं, डू या डज। अब आपको डू या डज कहाँ लगाना है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लगाना है, लेकिन डू या डज का भी प्रयोग आपका सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट यदि है तो डज नॉट लगाएंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग हम करते हैं। यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही शी इट एंड नेम, आप ऐसे किसी का नाम आता है, नाउन आता है, तो आप तो पहचान जाते हैं कि ये सिंगल है, मीन्स सिंगुलर है, लेकिन आपको पहचानने में प्रोनाउन होते हैं तो दिक्कत होती है। तो तीन ही वर्ड हैं आपको याद कर लेना, ही शी इट कौन कौन क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, देखिए ता है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कौन सा हो गया, निगेटिव हो गया। इस तरह आप एक एक चीज़ देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं शब्द आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। जब आपने सही पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए सेंटेंस, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन लिख दिया, मोहन सिंगुलर होने की वजह से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर क्या लगाएंगे, डज नॉट, आपने डज नॉट लगा दिया, बिल्कुल सही। उसके बाद आप वर्ब, आप बचा क्या आपके पास, पढ़ना एंड पुस्तक, तो इसमें से पढ़ना आपका वर्ब है। आपको कई बार बताया जा चुका है कि वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड, या सब्जेक्ट ने जो क्रिया की होती है उसे ही हम वर्ब को हिंदी में क्रिया ही कहते हैं। तो रीड हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आपका बुक, पूरा सेंटेंस बन गया मोहन डज नॉट रीड बुक। आपका देखिए लिखा हुआ है
सिंगुलर सब्जेक्ट मोहन है, देखिए मोहन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट जो लगाई है हेल्पिंग वर्ब है, रीड आपकी मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बुक आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे, तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट, वे नहीं दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन। बहुत ही आसान से टेंस है, बस आपको इन्हें थोड़ा सा समझ के कुछ रूल्स याद करने हैं, उन्हें याद कर लीजिए। मैंने अपनी तरफ से आपको प्रेजेंट इनफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।